मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 30 अप्रैल 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। और मैंने जो बाइसल सिग्नल का स्किनर बनाया और उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, तो वो कल के लिए सॉरी वो भी उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का व्यू देखा था हूँ, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, चार्ट स्ट्रेटजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोगों को प्रॉफिट कमाने के लिए आप लोग कोई भी चार्ट सेटअप इस्तेमाल कर सकता है। और आप लोग को बहुत सारा चार्ट का सेटअप मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग को और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। तो इसलिए इसका सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकता है। और मैंने लाइव डेमो दिखा था हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर्स का, मैंने जो बाय सेल लेवल कम स्किनर बनाया। और आप लोगों को जो ट्रेनिंग देना मतलब मैंने ट्रेनिंग का मॉड्यूल मैंने आप लोगों के लिए बनाया हो, तो इसे उसका मैंने ये बाय सेल लेवल उसको जो वोलेटिलिटी बेस्ड गन एंगल फिबोनाची लेवल्स टेक्निकल चार्ट सेटअप्स ऑप्शन चेंज चार्ट स्ट्रेटजीज ये आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उसका कैसे काम करता है आप लोग रेगुलर बेसिस पे देख सकता है, उसका एक्यूरेसी देख सकता है, उसका कंसिस्टेंसी देख सकता है। तो उसका तो उसके लिए आप लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों को जरूर लेना चाहिए। जो लोग बिगिनर्स है उनको तो लेना ही चाहिए, उन लोगों को टाइम एंड एफर्ट जो देना है और टाइम एफर्ट और एनर्जी और मनी जो आप लोग स्टॉक मार्केट में देना है तो उसको बहुत ही सेव हो जाएगा और आप लोग लॉस से भी बच सकता है। और जो लोग एक्सपीरियंस्ड है उन लोग को भी इस टेक्निक सीख लेना चाहिए क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा टेक्निक है। मैंने भी बहुत सारा टेक्निक्स पहले इस्तेमाल करता था, अभी भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये सब जो टेक्निक्स है तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये प्राइस एक्शन से ही चलता है, जो लोग प्राइस एक्शन में करता है और स्ट्रेटजी सेटअप में करता है तो ये जो साइकिल है इसमें ही चलता है तो मार्केट। तो ये आपके देखिए ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसमें बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा बहुत सारा। और बहुत सारा जगह पे आप लोगों को ये 50,000 से 1,00,000 रुपीस में आप लोगों को मिलेगा। और जो मैंने इसमें आप लोगों को जो मैंने जो रेगुलर बेसिस पे बाइसल लेवल का व्यू देता हूँ और जो लाइव डेमो दिखाता हूँ तो इसका वजह से आप लोग को कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी भी आप लोग जाँच कर सकता है। आप लोग को जो ट्रेनिंग लेना पॉसिबल नहीं होगा तो आप लोग खुद भी मतलब कॉल सर्विस ले सकते हैं। और देख ट्रेनिंग का अंत में आप लोग को ये जो बाइसल लेवल कम स्किनर है इसमें जितना पोर्शन आप लोगों को सिखाया जाएगा उसका आप लोग को हैंड ओवर भी कर दिया जाएगा। आप लोगों को जल्दी जस्ट अपडेट करना है, वो भी आप लोगों को कैसे अपडेट करना है वो भी सिखा दिया जाएगा। तो आप लोगों को इसमें बहुत ही सुविधा हो जाएगा। आप लोग देख सकता है मेरा हर रोज ऑलमोस्ट हर रोज लाइव डेमो दिखाता हूँ उसका भी लेवल देख सकता है। जो बाइसल लेवल कम बाइसल लेवल दिखाता हूँ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का वो भी आप लोग चेक कर सकता है। तो देखिए और जो मेरा यूट्यूब है मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकता है उसका लिंक दिया जाए उधर उसमें आप लोगों को फ्री डाल दिया जाएगा। और ये जो फाइल है मैंने पूरा शेयर करूँगा, जो लोग कॉल सर्विस लेंगे और जो लोग मतलब कॉल सर्विस लेंगे और लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम अपडेट भी कर दूंगा तो इसमें आप लोगों को ट्रेड करने के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। तो देखिए मैंने इधर निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ तो इसमें देखिए ये कैंडलस्टिक का एक बुलिश कैंडलस्टिक बना है और इसका जो वीक्स है बहुत ही ऑलमोस्ट ऊपर वाला थोड़ा सा वीक्स दिख रहा है क्योंकि ये गया था 9599 तक, उसके बाद ये थोड़ा सा
नीचे आके क्लोजिंग दिया है, थोड़ा सा विक्स इसका बना है तो इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। तो एनीवे इसका इधर का जो है 9955, हाँ तो इसमें थोड़ा सा विक बना है, छोटा सा विक बना है, पूरा सेफ नहीं है तो, लेकिन इसका बॉडी बहुत ही मजबूत है और बट तो इसमें क्या है तो ये पुलिस इंडिकेट कर रहा है। और इधर का जो चार्ट का जो सिग्नल्स है ये भी मतलब ये सब सभी इंडिकेटर्स इसमें सभी इंडिकेटर्स कह नहीं सकता लेकिन ज़्यादातर इंडिकेटर्स ये अभी इंडिकेटर्स ऊपर ही है तो ये इसका ट्रेंड क्लियरली अप ट्रेंड है, ठीक है। और इसका ट्रेंड तो बता दिया और इसके कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप लोग को बता दिया। उसके बाद जो दिखाना होगा ये है आप लोग को डेली का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को दिखाऊंगा। तो इधर देखिए इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस बनेगा 9581 पे, ठीक है। एक मिनट इसको मैंने थोड़ा सा छोटा लेता हूँ। 9581 पे इसका सपोर्ट दिख रहा है और रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके बाद ये 9589 क्रॉस करेगा तो इसका रेजिस्टेंस बनेगा 9589 के ऊपर 9633, उसके बाद 9654, उसके बाद 9678, इसके बाद 9712 और उसके बाद 9754, ठीक है। और ये सब जो लेवल्स है ये भी इंडिकेटर चार्ट का सेटअप्स भी आप लोग को दिया मतलब सिखाया जाएगा। और इसमें आप लोग को इधर इतना तक आप लोग को 9764 आप लोग देख सकता है और नीचे हुआ जो लेवल है 9492 9436 9348 9292 9204 9148 9136। तो इसमें इसका नीचे वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा तो वो है इधर से जो रेजिस्टेंस है 8800 में बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट है। और इधर का जो अभी जो ये एंगल थोड़ा है तो इस एंगल के आसपास जाने का कोशिश करेगा, इसका अभी लॉन्ग हॉरिजन है, इसका जा सकता है ऊपर, ठीक है। 10,000 के आसपास जा सकता है, इसका 10,000 के आसपास फिलहाल जा सकता है, उसके बाद 1,500-600 तक जाने का प्रोबेबिलिटी होता है। और मैंने जो पहले भी बोला था इसका एक साइकिल चल रहा है, साइकिल में चल रहा है तो इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। और जितना अगर इसका 2008 से जो 5-10 में हुए पाना था, मैंने मेरा पिछले वाला वीडियोस देखिए, पहले पर्टिकुलरली 27 मार्च का वीडियोस देख लीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो उसमें आप लोगों को क्लियरली दिखाया हूँ कैलकुलेट करके भी दिखाया हूँ। तो उसमें जो इसका करेक्शन हुए भी चल रहा है, ये भी एक करेक्शन हुए है, उसके बाद ये जितना ऊपर जाएगा इतना इधर से जितना तक गिरा था अभी जितना तक ऊपर जाएगा उतना ही ये पोर्शन जितना तक गिरा है उतना ही गिरने का पॉसिबिलिटीज है। और 8563 में इसका रेजिस्टेंस है सपोर्ट है और 9390 तक क्रॉस हो चुका है, ये 9970 तक अभी आना चाहिए, उसके बाद 10,550 ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा 11,269, उसके बाद ये थोड़ा अपट्रेंड में चला जा सकता है। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज देखता है, मैंने तो नहीं देख रहा हूँ, मेरा जो एजम्पशन है कुछ अलग है, तो आप लोग को ही बोला है मैंने ये अभी 10,560 जा सकता है एनीवे। और इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आप लोग को बहुत सारा चीज़ दिखाना है, आप लोग को बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग आ जाएगा तो पता चल जाएगा थोड़ा सा इसका लेवल्स क्या है, क्या ट्रेंड है, क्या लेवल्स है, कहाँ पर ये सपोर्ट रजिस्टर्स ले सकता है, एक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को। थोड़ा सा मैंने डिटेल्स में एनालिसिस करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें देखिए इसमें बैंक निफ्टी का भी जो कैंडलस्टिक बना है ये स्ट्रांग बुलिश कैंडल बना है। इसमें उसके पहले इसका जो छोटा बॉडी का मतलब स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बना है
ये ऑलमोस्ट मारुगुजी तो कह नहीं जा सकता, लेकिन ऑलमोस्ट मारुगुजी टाइप का लॉन्ग बॉडी कैंडल बना है। तो इधर जो इसका इमीडिएट 21,090 में क्लोजिंग दिया है, इसका 21,354 में इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, इसके बाद 21,735, इसके बाद 21,868, उसके बाद 22,035, उसके बाद 22,338, उसके बाद 22,646, ऐसे करके इसका रेजिस्टेंस जाएगा। ये मतलब लॉन्ग टर्म में ये 27,700 तक इसका जाने का प्रॉबिलिटी है, और नीचे का जो आने का प्रॉबिलिटी है, इसका जो सपोर्ट है 20,861, 20,561, 20,370, 20,070 और 19,880, और इसके नीचे इसका 19,610 और 19,312 इसके ऊपर जा सकता है। लॉन्ग टर्म में मतलब क्लियरली अप ट्रेंड है, ट्रेंड अप में है। और इसका जो लेवल्स दिखाऊंगा दिखाता हूँ तो आप लोग भी इसका नोट कीजिए, लाइव मार्केट में आप लोग देखेंगे तो। और इसके बाद मैंने जो बाई लेवल एंड सेल लेवल्स दिखाऊंगा, और रात में जो बाई सेल लेवल्स दिखाऊंगा वो भी नजर मतलब आप लोग रख सकते मतलब देख सकते हैं। तो इसी का हिसाब से मार्केट में मूवमेंट होगा। और मैंने निफ्टी इसका फ्यूचर का चार्ट थोड़ा सा देख लेता हूँ। फ्यूचर का चार्ट जो देख रहा हूँ इसमें अभी भी निफ्टी का फ्यूचर में देखिए, निफ्टी का फ्यूचर इसका इसका रेजिस्टेंस है 9,700 पे, इसका रेजिस्टेंस है पहले वाला रेजिस्टेंस। हाँ इसका 9,700 पे इसका 9,707 का इसका रेजिस्टेंस होने का पहले, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 9,935, उसके बाद 10,168, ऐसे करके इसका फिलहाल 10,700 तक इसका रेजिस्टेंस हो सकता है, 10,750 तक इसका रेजिस्टेंस है। और इसका जो मतलब 9,235 में इसका पिवट पॉइंट है, और इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी इधर 9,030 में है, तो इधर से इसका नीचे आएगा तो ये नीचे आ सकता है। और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का देखता है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का भी इधर अपना 21,660 में इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद 22,213, उसके बाद ये फिर से बहुत सारा ऊपर जा सकता है, उसके बाद ये मतलब वही 26,770 तक, 19,681, 19,257, 19,069, 18,456 और 17,800, ऐसे करके ये नीचे आ सकता है। और इधर ऑप्शन चेन का जो दिखाऊंगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करके दिखाता हूँ इसका प्रोबेबिलिटी और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन रहा है। इधर बैंक निफ्टी का बन गया, सॉरी निफ्टी का इसमें निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है 1.38 है, 1.379 ऐसा कैलकुलेट किया था मैंने। और देखिए इधर जो 9,500 में तो एक रेजिस्टेंस है, लेकिन 9,000 डाटा में तो गलत रख रहा है, देखने दीजिए एक मिनट। मार्केट तो क्लोजिंग दिया है 9,553 के पास, सचिन का डाटा थोड़ा सा गलत दिख रहा लगता है। हाँ 9,553 में तो क्लोजिंग दिया है मार्केट, इधर भी ऐसा दिख रहा है, तो कुछ गलत दिख रहा है इधर।
फिर जीरो दिख रहा है, तो कुछ गलत लग रहा है। 30 अप्रैल का जो एक्सपायरी इसका बैंक निफ्टी तो सही दिखा रहा है, निफ्टी क्या हो गया, इस अपडेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जरूर, इधर निफ्टी में थोड़ा सा गलत दिख रहा है दोस्तों। अभी फिलहाल हम लोग भी देख सकते हैं कुछ गलत दिख रहा है, इधर हम लोग भी चेक कर सकते हैं। इधर देखिए मार्केट क्लोजिंग दिया 9553, ये 9380 में क्लोजिंग दिखा रहा है, इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह भी गलत दिखा रहा है। इन्हें तो मैंने उसको छोड़ देता हूँ और बैंक निफ्टी को देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने उसका प्रोबेबिलिटी में मैंने कैलकुलेट करके रखा है, आप लोग बाद में उसका डाटा चेक कर सकता है, वही दिखाएंगे, दो ही दिखाएगा, इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है अभी। तो इधर इधर 21,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और इधर 22,000 में भी है, लेकिन मैंने फिलहाल मतलब एक्सपायरी नज़दीक है तो इसीलिए मैंने इसको पकड़ता हूँ। और इधर 20,000 में इसका सपोर्ट है, और इधर जो वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, इधर शॉर्टिंग हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू इधर ही ज़्यादा है शायद, इधर ही ज़्यादा है 5,100, और इधर 129,900, तो इधर ज़्यादा है, तो इधर कॉल लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो इधर से ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, और इधर भी हेवी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, आपसे नीचे हेवी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, हो सकता है इधर से कुछ शॉर्टिंग हो सकता है, तो इसी के वजह से थोड़ा सा मतलब रिटेस होकर फिर नीचे आने का प्रॉबिलिटी दिखता है। तो इसका 22,000 तक, इसका 22,300 तक जाने का प्रॉबिलिटी इसका बनता है, उसके बाद इसका फिर से शॉर्टिंग हो शुरू हो रहा है, और इधर भी अप साइड में इधर हेवी शॉर्टिंग हो रहा है पुट साइड में, तो इधर भी शॉर्ट कवरिंग आ सकता है जब पीसीआर रेशियो ऊपर आ जाएगा, और इसके साथ इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, तो उसका हिसाब से ये थोड़ा सा नीचे आने का प्रॉबिलिटी भी देखता है। तो इधर प्रॉबिलिटी भी मैंने कैलकुलेट करके रखा हूँ, प्रॉबिलिटी आप लोग को दिखा देता हूँ, प्रॉबिलिटी कैसा बना है। इधर देखिए 9,700 में एक्चुअली इसका 9553 में क्लोजिंग हुआ था, ये कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक दिन का हिसाब से ये 9,400 मतलब एक्चुअली ये 9,000 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने नज़दीक का वाला पकड़ा हूँ क्योंकि एक्सपायरी काल का है, इसीलिए 9,400 में इसका सपोर्ट है और 9,700 में इसका रेजिस्टेंस है, तभी इसका 9,700 में इसका रेजिस्टेंस इसमें मतलब जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, और 9,500 का दूंगा तो थोड़ा सा नीचे आने का प्रॉबिलिटी दिखेगा, तो इसमें और बैंक निफ्टी का भी नीचे ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी दिख रहा है, बैंक निफ्टी का भी ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी दिख रहा है। देखिए इधर थोड़ा सा इधर बढ़ गया है प्रॉबिलिटी 9,500 का दिया तो 9,500 जितना 9,500 का नीचे आ जाएगा तो इसका नीचे आने का प्रॉबिलिटी बन जाएगा। और इधर इधर का मैंने थोड़ा सा गन 360 के एनालिसिस में आप लोग को लेवल दिखा देता हूँ, तो इधर देखिए 9390 जब क्रॉस किया है, इसके बाद 9480 इधर 9576 का ऊपर ये 9670 9764 तक आने का प्रॉबिलिटी इसका दिख रहा है, उसके बाद 9788 9944 ऐसे करके ये अब जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, इतना तक इसका मेरा अजम्पशन है, इतना तक ये जा सकता है, तो इसका नहीं तो इसका भी साइकिल कंप्लीट कर सकता है 11,123 का प्रॉबिलिटी, लेकिन इसका प्रॉबिलिटी बहुत ही कम है। और इधर ये तो 20,950 का क्रॉस कर लिया, 20,950 का लेवल क्रॉस कर लिया बैंक निफ्टी, ये 22,000 का लेवल में आ सकता है, उसके बाद ऐसे करके ये इस पर जा सकता है, इसका भी 17,721 में बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिलेगा, उधर से इसका गिनना चालू हो सकता है। और इसमें कुछ लेवल्स आप लोग को डेली डाटा में भी आप लोग को दिखा देता हूँ, डेली डाटा में 360 एनालिसिस आप लोग को दिखा देता हूँ,
दिल्ली डाटा में हम लोग को जो दिखाता है इधर 9,626 का लेवल से ही इसका बाई का लेवल चालू होगा, और 20,902 हम लोग फ्यूचर के भी देख सकता है इधर से, तो इधर से इसका नज़दीक रहता है, और इधर 45,9479 इसका बहुत ही दूर है, 100 पॉइंट लगभग दूर है, तो इसीलिए इसका वो अप ट्रेंड इसका इधर से पता चलता है। और इधर ऐसे आप लोग फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल अप साइड और डाउन साइड में नोट कर सकता है, तो ये लेवल पे आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैंने कमोडिटी मार्केट जब बंद हो जाता है, जो लोग मेरा रेगुलर व्यूअर है तो वो लोग जानता है कि मैंने रात में व्यू देता हूँ, पैसे लेवल्स ऑफ इक्विटी निफ्टी कमोडिटी बैंक निफ्टी सभी का लेवल्स देता हूँ दिखाता हूँ, तो वो भी आप लोग लेवल्स आप लोग जरूर देख लीजिए। और एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को, जो मैंने आज ही वर्कआउट किया है और भी थोड़ा सा वर्कआउट करने का बाकी रह गया, तो इधर निफ्टी का जो गन एंगल का हिसाब से इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी, निफ्टी का प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और बैंक निफ्टी के थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, थोड़ा सा इसका डाउन दिख रहा है, ये गन एंगल का मतलब कैलकुलेशन का हिसाब से जो मैंने 360 एनालिसिस का देखा है। और इधर और एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर का जो इधर से जो प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, इधर का जो प्रोबेबिलिटी है इधर देखते 30 डेज का हिसाब से इसका आप सभी अप ट्रेंड में आए, 30 डेज, 15 डेज, 5 डेज और 1 डेज का हिसाब से प्रोबेबिलिटी इसका अप में दिखा रहा है। इधर मैंने इधर से दिखाऊंगा उनका लेवल, दिखाऊंगा उनका लेवल दिखाऊंगा, तो लेवल्स का ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग जब मार्केट जब मूवमेंट होगा ये सब लेवल्स आप लोगों को जब दिमाग में रहेगा तो आप लोग देखेंगे उस सब लेवल पे जाने ऊपर जाने उस लेवल्स को तोड़ने के बाद इसका मूवमेंट और भी ऊपर जाए, नेक्स्ट लेवल अचीव कर रहा है, नहीं तो उधर से रेजिस्टेंस लेके मतलब नीचे जा सकता है, और सपोर्ट का भी नीचे नीचे का भी ऐसा होने का प्रॉबिलिटी है। लॉन्ग टर्म जो मूवमेंट आप लोग नोट करके रख सकते हैं, तो आप लोग को बहुत ही फायदा होगा मार्केट का मूवमेंट कैप्चर करने के लिए। तो ये है फिबोनाची बेस्ट लेवल्स बेस्ट ऑन 2 रेंज, ये है फिबोनाची 8 ईयर 2 रेंज, 8 ईयर का 14 का रेंज, ठीक है, ये सब वैसे लेवल आप लोग नोट करके रखिए, और कोई भी लेवल आप लोग नहीं मैच किया तो उसके नेक्स्ट हाँ नहीं हो सकता है कि टारगेट का नहीं गया, लेकिन अप ट्रेंड नहीं गया या डाउन ट्रेंड नहीं गया, तो डाउन में नहीं गया तो मेरे को ज़रूर आप लोग फीडबैक दे दीजिए, और ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग रेगुलर जरूर मेरे को फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, तो इसमें मेरा मोटिवेशन रहेगा। लेवल्स आप लोग नोट करके रखिए। और इधर से भी मैंने एक वर्कआउट किया हूँ, इधर का जो देखिए 7 डेज का जो गन एंगल्स का जो लेवल्स है, ठीक है, इधर एक्चुअली इसका 9799 इसका जो रेजी मतलब गन एंगल का हिसाब से हुए ऊपर जा सकता है, नीचे 9353 सेवन सॉरी मैंने वही है 9799 और 6399 है, तो इसका जो अप ट्रेंड का ये बहुत ही ज़्यादा है, अप ट्रेंड का 7 डेज का सबसे ज़्यादा है, मैंने इसको 15 डेज और 13 डेज का भी वर्कआउट करूँगा, हो सकता है कल या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप लोग को दिखा पाऊँगा, तो ये भी आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से और में भी और लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही अच्छा काम पे आएगा। फियर वो दोस्तों फियर मैं रात में बात पाया, मैंने बहुत सारा बाई सेल लेवल दिखाऊंगा, तब जरूर रहेंगे और उसको भी देखेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, इससे बहुत अच्छा मिलेगा, और आप लोग को बहुत सारा लेवल्स और ट्रेडिंग के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा, और आप लोग ट्रेडिंग कॉल सर्विस के लिए आप लोग जरूर ऑप्ट कीजिए। थैंक यू।